और अब खबरें विस्तार से। झारखंड प्रदेश बीजेपी का देवघर में दो दिवसीय कार्य समिति की बैठक आज से शुरू हो रही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 7 सत्र होंगे, जिसमें राजनीतिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव जीतने को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। बैठक में झारखंड बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो देवघर में ये महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, कार्य समिति की बैठक है। इसमें ये भी जानकारी मिल रही है कि 400 सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। तो 2024 आम चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की जा सकती है और बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी इस बैठक में शामिल होंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। देवघर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी देवघर से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं रंजीत। रंजीत, बस बीजेपी की कार्य समिति की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, क्या कुछ अपडेट्स है? जी अनुजा, मैं आपको बता दूं कि देवघर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी यहां पहुंच चुके हैं, चूंकि प्रदेश कार्य समिति की आज बाबा वेदांत की नगरी देवघर के मेहर गार्डन रिसोर्ट में होनी है और कुछ ही देर में पदाधिकारियों का एक विशेष बैठक 10 बजे से शुरू होनी थी और कुछ समय के बाद शुरू हो जाएगी। इसके उपरांत 2:30 बजे विधिवत प्रदेश कार्य समिति का बैठक का जो है विधिवत उद्घाटन किया जाएगा, शुभारंभ होगा, जिसमें बीजेपी विधायक दल के नेता पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी सहित पूर्व सीएम रघुवर दास, अर्जुन मुंडा सहित कई दिग्गज पदाधिकारी यहां पे पहुंचेंगे और कई मुद्दों पर जो है बैठक होगी और इस पर निर्णय लिया जाएगा। खासकर 2024 को लेकर जो है, लोकसभा को लेकर जो है बैठक के लिए किया जाएगा और कई निर्णय लिया जाएगा और उसकी तैयारी पर रणनीति बनेगी। साथ ही वर्तमान सरकार को घेरने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और ये 7 चरणों में, कुल चूंकि 2 दिवसीय बैठक है तो 7 चरणों में होगी और काफी कुछ तैयारी इसमें किया जा रहा है। जो प्रदेश संगठन मंत्री है, ये भी जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में कुल 400 सदस्य शामिल होंगे। 400 कार्य समिति प्रदेश स्तर के जो है सदस्य शामिल होंगे, उसके रहने से लेकर आने के सारे अरेंजमेंट किया गया है और सभी कुछ तैयारी लगभग हो चुकी है और कई पदाधिकारी लगभग पहुंच रहे हैं और कई पदाधिकारी पहुंच चुके हैं। हमारे बीच जो देवघर की तैयारी में जो लगे हैं विधायक हैं, जैसा जिला अध्यक्ष नारायण दास जी हैं, जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी है। विधायक जी, क्या कुछ तैयारी है और कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा कैसी, क्या कुछ तैयारी? देखिए, सबसे खुशी की बात है कि संथाल परगना प्रमंडल बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में प्रांतीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का होना अपने आप में एक सुखद एहसास है और संथाल परगना प्रमंडल हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और भाजपा प्रदेश में सरकार भी बनाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमेशा हम लोग प्रशिक्षित होते रहे हैं और देवघर की धरती पर भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति प्रदेश की बैठक होना अपने आप में एक महत्व रखता है। 16 साल के बाद हो रहा है यहाँ पर ये बैठक हो रही है कार्य समिति की, तैयारियां क्या क्या है, कौन कौन आने वाले हैं, पहले किनकी अध्यक्षता में होगी? जब से प्रदेश ने ये टास्क देवघर जिला को दिया है, एज ए जिलाध्यक्ष मैं लगातार इस काम में लगा हुआ हूँ और मेरे जितने भी जिला कमेटी के मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला के कार्यकर्ता, हम हमारे लोकप्रिय सांसद, इस कार्यक्रम के प्रभारी श्रीमान आदित्य साहू जी, सारे लोग लगातार यहाँ बैठ के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों से जब प्रदेश अध्यक्ष मुखातिब हुए थे देवघर परिषदन में तो उन्होंने कहा था कि 2024 का शंखनाद संथाल परगना प्रमंडल बाबा वैद्यनाथ की धरा से होगा और निश्चित रूप से हम लोग कामयाब होंगे सरकार बनाने में और 24 में केंद्र में भी भाजपा की सरकार बनेगी, मोदी जी
देश के पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लगातार लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। जिस लुभावने नारे के साथ हेमंत सोरेन जी ने अपनी सरकार बनाई, जनता को ठका, बेरोजगारों की बात की, पेंशन की बात की, कहीं फलता फूलता नजर नहीं आ रहा है। और कोई दिन ऐसा नहीं है, चाहे राज्य की राजधानी हो चाहे राज्य की उपराजधानी हो, लगातार आदिवासियों के नाम पर ये सरकार जो बनी है और हमेशा कहती है कि आदिवासी का हित अगर कोई कर सकता है तो जेएमएम कर सकता है, लगातार आदिवासी बालाओं का शोषण हो रहा है, उनका अपहरण हो रहा है और उनका बलात्कार हो रहा है। इसलिए एक प्रकार से क्षेत्र की जनता का मोह इस सरकार से भंग हो गया है। हम अपने प्रदेश नेतृत्व को साधुवाद देते हैं जिन्होंने बाबा बैद्यनाथ की नगरी को चुना है प्रांतीय अधिवेशन के लिए। एज ए जिलाध्यक्ष, एज ए देवघर के विधायक, हमारी भूमिका जो है सबों का प्रयास रंग लाएगा और निश्चित रूप से केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मतलब कब ये शुरू होगा, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे, क्या रूपरेखा, दो दिनों में क्या क्या होना? अभी अभी जस्ट प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होनी है, इसके बाद जिला के पदाधिकारी बैठेंगे और जिला अध्यक्ष बैठेंगे और उसके बाद कार्य समिति की बैठक शुरू हो जाएगी। लगातार दो दिन तक चलेगी। जैसा जैसा जो प्रस्ताव आएगा, क्योंकि प्रस्ताव आने के बाद ही हम ब्रीफ कर सकते हैं। इस बैठक में कौन कौन शामिल हो रहे हैं और अभी तक कौन कौन दिग्गज नेता यहाँ पहुंच चुके हैं? इस बैठक में अभी तक हमारे माननीय अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी आ गए हैं। अगर हम बात करें तो विधानसभा विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल जी आ गए हैं, तीनों प्रदेश के महामंत्री आदरणीय बाल मुकुंद सहाय जी, प्रदीप वर्मा जी, आदित्य साहू जी आ चुके हैं, झारखंड के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आ गए हैं और क्षेत्रीय दरबार में हाजिरी भी लगा रहे हैं और महासंगठन मंत्री हम सबों के अभिभावक आदरणीय नरेंद्र जी आए हैं और संगठन के महामंत्री झारखंड प्रदेश करमवीर जी का आगमन हो चुका है। लगातार सांसदों का, विधायकों का और तमाम प्रतिनिधियों का आना शुरू है। नियत समय पर बैठक चालू हो जाएगी। क्या लग रहा है कि वर्तमान में जो सरकार है उसको घेरने के लिए रणनीति बनेगी और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसको सभी सीट पर जीत के लिए किस तरह की रणनीति बनाई जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ही झारखंड प्रदेश को बनाया है और जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसको एहसास होता है कि हमारी प्रसव पीड़ा क्या रही है। इसलिए झारखंड की चिंता अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ये सरकार ने ठगने का काम किया है और निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता के चेहरे पर जो मुस्कान है, जो रौनक है और उनके साथ जो छल करने का काम किया जा रहा है, आप लोगों को पता होगा कि बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, 5 लाख नौकरी लगाने की बात की, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, 1 एकड़ से 5 एकड़ वाले को 25,000 तक मिलता था वो सरकार ने ये बंद कर दिया। एक तरह से मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, बेरोजगार विरोधी, छात्र विरोधी, सब विरोधी कोई सरकार है तो हेमंत सोरेन की सरकार है। निश्चित तौर पर अनुजा, तो ये सीधा बीजेपी का कहना है कि ये जो वर्तमान में सरकार है सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है और आने वाला समय करारा जवाब दिया जाएगा और लोकसभा की सभी सीटों पर जीत होगी। जी अनुजा, बिल्कुल रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो बीजेपी कार्य समिति की आज बैठक होनी है और इस बैठक को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग पहले ही शुरू कर दी गई थी और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं बस वहां पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। बता दूं कि प्रदेश पदाधिकारी के साथ बैठक होनी है, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होनी है और ये बैठक कल तक चलेगी, ये भी जानकारी मिल रही है। और 2024 के लिए रणनीति तैयार की जाएगी, तो बीजेपी की तरफ से आम चुनाव के लिए तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है।